स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ग्रेटेस्ट पावर आपकी पावर ऑफ थॉट से मिलती है। कोई भी एलिमेंट जितना फाइन होगा उतना ही पावरफुल होगा। साइलेंस की पावर दूर बैठे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि मन एक भी है और अनेक भी। ये यूनिवर्स एक मकड़ जाल है और आपका दिमाग मकड़ी है। इस सेंटेंस ने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा, है ना? आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस बारे में सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी को वही कंट्रोल करता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको कम से कम दिन में 30 मिनट रीडिंग करनी चाहिए, एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनके बारे में अवेयर रहें, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करें और डीप ब्रीदिंग स्ट्रैटेजी को समझ लें। डीप ब्रीदिंग बहुत ही कारगर तरीका है, इसे पूरी दुनिया में अपनाया जाता है, सदियों से अपनाया जा रहा है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम तो होता ही है, साथ ही साथ आप किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना भी सीख जाते हैं। जनरल जी जंपोल्स्की ने कहा था कि आपकी सिचुएशन आपके स्ट्रेस का कारण नहीं बनती, आपके थॉट्स बनते हैं और आप इसे बदल सकते हैं। आप पीसफुल तरीके से जीना सीख सकते हैं। पीस या शांति एक चॉइस है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर लास्ट में हम यही रिग्रेट करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था, हमने तुझे कुछ किया नहीं। ज़िंदगी में पछताना ना पड़े, इसलिए आज से ही शांति की शक्ति को समझना शुरू कर दें। जिस दिन आप शांत मन से खुद के बारे में सोचने लगेंगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। आप सारी चीज़ों के बारे में प्लान कर सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ईयरली गोल्स सेट कर सकते हैं, खुद से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। आप बस सोचना शुरू कर दें कि आप खुश हैं। आपके पास खुश होने के कई सारे रीजंस हैं, बस आपको उन रीजंस को एक्शन में बदलने की ज़रूरत है। ऑथर इसे करने के 3 शानदार स्टेप्स बताते हैं। किसी चीज़ को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। अपनी सुबह की शुरुआत सबसे डिफ़िकल्ट टास्क से करें। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह सबसे मुश्किल टास्क को ही टालते रहते हैं, इसी कारण वो पूरे दिन काम को टालते रहते हैं और आसान काम को ढूंढते रहते हैं। फिर ये उनकी एक आदत बन जाती है और फिर वो काम करने से कतराने लगते हैं। जब हम काम से कतराने लगते हैं तो अपने सेट किए गए गोल्स भूल जाते हैं। फिर उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि हाँ सोचूंगा इस बारे में, थोड़ी देर में करता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना बंद कर दें। कोई भी काम मिले उस काम को पहले अंजाम दें, फिर बाद में दूसरे काम पर फोकस करें। जब आप किसी काम को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो आपके सोचने के तरीके में भी कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। टिक नाथान ने कहा था कि हम अपनी कोशिशों में ज़्यादा कामयाब तब होंगे जब हम हड़बड़ी वाली हैबिट को छोड़ देंगे। थोड़ी देर रुककर हमें आराम से दोबारा फोकस करना चाहिए। इस तरह से हमें ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आएगा। जो अपने मन का मालिक होता है ना, वो किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकता है। एक मजबूत अनब्रेकेबल दीवार की तरह बन सकता है। वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने फोकस करने के लिए अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन किया है। उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा है। दिमाग में आने वाले बुरे थॉट्स को फिल्टर करना वो जानता है। उसे सही और गलत की नॉलेज होती है। सिंपल सी बात है, आपको अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि आपको अपने थॉट्स का मास्टर होना चाहिए। बुकेयो देंदो कोकाई कहते हैं कि इंसान अपने थॉट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अगर उसके थॉट्स लालची होते हैं तो वो और ज़्यादा लालची होता जाएगा। अगर वो गुस्से वाले थॉट्स रखता है तो और ज़्यादा गुस्से वाला बनता चला जाएगा। अगर वो बेवकूफ़ी भरे थॉट्स रखता है तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी पछतावा नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीख जाएंगे और किसी भी बड़े काम को खुशी खुशी पूरा करते चले जाएंगे। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।